हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको इस टाइप की मोती की लड्डू गोपाल के लिए माला बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए वाइट मोती, रेड मोती और सुई और धागा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रेड कलर का मोती लेना है। और यहाँ नॉट से सुई को निकालना है ताकि हमारा मोती फिक्स हो जाए। अब फिर से एक रेड मोती लेना है। फिर इस माला की तरह पहले दो रेड मोती, फिर तीन वाइट मोती। ये दो रेड मोती, तीन वाइट मोती और फिर से दो रेड मोती। इसी तरह से हम तीन बार करेंगे। पहले दो लाल मोती, फिर तीन सफ़ेद मोती, फिर दो लाल मोती, फिर तीन सफ़ेद मोती। इसी तरह से मैं ये लाइन पूरी करती हूँ। ये हमने लाइन पूरी की है, दो लाल मोती, तीन सफ़ेद मोती, फिर दो लाल मोती, फिर तीन सफ़ेद मोती। इस तरह से हमने ये किए। अब एक लेना है सफ़ेद मोती और एक लाल मोती पेंडल बनाने के लिए। अब लाल मोती छोड़ के सफ़ेद वाले मोती से सुई को बाहर निकालना है। ऐसे अब फिर से तीन सफ़ेद मोती, फिर जिस तरह से हमने इस साइड किया था सेम वैसे ही करना है। तीन सफ़ेद मोती, दो लाल मोती, तीन सफ़ेद मोती, दो लाल मोती, तीन सफ़ेद मोती, यहाँ तक सेम वैसे ही बनानी है। देखिए फ्रेंड, इतनी माला बन चुकी है। और आप ऐसे भी सिंगल भी यूज़ कर सकते हो, और अगर डबल बनानी है तो उसके लिए फिर से हमें दो लाल मोती लेना है। ये यहाँ हो गए हैं चार लाल मोती, 1 2 3 4। लास्ट के दो मोती से नीडल निकालनी है। ऐसे ये हमारा मोती यहाँ लॉक हो चुका है। फिर से साइड से दो मोती से सुई को बाहर निकालना है। इस तरह से अब फिर से तीन सफ़ेद मोती। फिर से मैंने तीन सफ़ेद मोती लिए और अब ये तीन सफ़ेद मोती, ये साइड वाला मोती है ना वाइट, इसमें से नीडल को बाहर निकालना है। तीनों सफ़ेद मोती से ऐसे अब फिर से सुई को बाजू वाले तीनों सफ़ेद मोती से बाहर निकालना है। ऐसे अब फिर से दो लाल मोती लेना है और ये यहाँ तक सेम इसी तरह से करना है। देखिए ये यहाँ तक माला कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट में हमें यहाँ तीन की जगह दो ही सफ़ेद मोती लेने।
और ये पहले मोती में से सुई को बाहर निकालना है। और फिर जो एक सेंटर में वाइट और रेड मोती था उसमें से भी सुई बाहर निकालनी है। इस तरह से अब हमें 6 लाल मोती लेने हैं। ये हमने 6 लाल मोती ले लिए और जो पहला मोती है उसी में से सुई को बाहर निकालना है। इस तरह से फिर ये एक सर्कल बन जाएगा। देखिए अब हमारा सर्कल बन गया है। अब इस सर्कल के लिए अब हमें लेना है एक सफ़ेद मोती। और सामने वाले लाल मोती से सुई को बाहर निकालना। ये देखिए हमारा पेंडल बन गया है। अब हमें साइड से मोतियों से सुई को बाहर निकालना है ताकि ये सर्कल टाइट बन जाए। इस तरह से अब फिर से ये वाइट मोती से सुई को बाहर निकालना। अब जैसे इस साइड की लाइन बनाई थी सेम वही तरीके से इस साइड भी लाइन बनानी है। देखिए फ्रेंड हमारी माला बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें यहाँ इस धागे से यहाँ गठान लगा के बंद कर देंगे। फ्रेंड हमारी माला बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ आप बीच में इस माला की तरह मोती भी डाल सकते हैं ताकि एडजस्ट कर सके या ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।